तो हम आप यहाँ के चमत्कारों के बारे में यहाँ के पंडित से पूछेंगे। सर पहले मंदिर में जब डूब में जा रहा था, पहले मंदिर डूब में जा रहा था तो माता रानी नाराज हो गई थी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। आज हम आए हैं बाड़ी माता पचेती मंदिर, जो कि हमारे ही गाँव में स्थित है। हम भी तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ अम्बे तुम हो जगदम्बे काली। तो हम आप यहाँ के चमत्कारों के बारे में यहाँ के पंडित से पूछेंगे। यहाँ के चमत्कार ऐसे हैं सर कि पहले यहाँ पे पचावती नगरी थी। पचावती की नगरी के में बानिया लोग रहते थे। बानिया लोग ने बलि बंद किया था तो माता रानी ने दो भाई लाए मक्का से, रोजरी गांव से दो भाई आए गुजर का। तो उसने फिर तो पचावती नगरी की पचेटी बसाई बाड़ी माता ने। बाड़ी माता ने फिर उसका एक बकरा और एक देसा चालू किया, उसकी फिर यहाँ के पचावती की पचेटी बनी। फिर दूसरा चमत्कार एक मैया का था कि यहाँ पे मीने लोग रहते थे। यहाँ की मीना की बेन बेटी कर रही नैनियाखेड़ी गांव में। उसका वो आदमी था बहुत बलवान, वो तो डकेटी डालते थे, दाड़ा करते थे। तो उसको माता रानी ने सपना दिया, तो सपना दिया कि थारा पतिदेव को इधर भेज हमारी नगरी में। तो उसने पूरा सम्मति से चला भी, तो दाड़ा डाला तो माता रानी ने एक बेस किया। देवनारायण और माता रानी दोनों तीन ही भाई बहन जा ही रहा था तो उसमें आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई जो चली तो ये आपस में मर गया। मरने में फिर उसको निमंत्रण किया, बोले कि कौन था इसमें मीना। तो मीना को आज भी यहाँ पे माता रानी के साथ में पूजा रहे हैं। पूजाने में आज भी उसकी बलि चढ़ी रही यहाँ पर। इसका चमत्कार यही है सर। इसके अलावा कुछ भी हो तो जैसे कि इसके बारे में यहाँ पे जो ये तालाब बना है, ये तालाब बन गया था इससे अपने रानीखेड़ी और पचेटी डैम ये डूबने जा रहे थे और मंदिर जो था ये डूबने जा रहा था। तो सरकार द्वारा बोला कि हम मंदिर को चढ़ाव पे और चिड़ाव पे करके और दर्शन के मुकाबले कर देंगे। तो माता रानी ने इनकार किया, ज़बरदस्ती किया। तो दो लड़की दिखी उनको, तो समझदार जो व्यक्ति था कर्मचारी उसने बंद किया। बंद करने के बाद में फिर ऊपर तालाब बना हुआ है। तो ये तालाब सर में इनके माता रानी के वचन से बना हुआ है। पहले ये मंदिर में जब डूब में जा रहा था, पहले मंदिर डूब में जा रहा था तो माता रानी नाराज हो गई थी। तो फिर उसका वचन का ये तालाब बना हुआ है यहाँ। ऐसे चमत्कार बहुत सारे हैं सर यहाँ पे, तीन चार चमत्कार बहुत अच्छे किया। और आप जो भी पहले के बाद गुजर के बात करते हैं वो आपको उनको याद नहीं है, उस लिए गिरे हम भी, क्योंकि अपना पिताजी और जो हम हैं दिल ठाकुर समाज के, तो हमारे पीढ़ी बन के यहाँ के रहने वाले हैं। ये जो गुजर बही लोग आए हैं ये तो आए हुए हैं, गाँव बसा रहे हैं यहाँ पे। कम से कम 200-250 घर की बस्ती है यहाँ। तो गुजर बही का आज भी नौमी के दिन पाड़ा और बकरा दोनों को बलि देते हैं। यहाँ पे बलि लगती है, बलि लगती है। इसने बहुत प्रयास किया था, मानिया लोग ने बंद किया था, उसका गांव उधर हो गया। तो पचावती की पचेटी बस गई ये माता रानी ने। फिर एक जैसे कोई अपने पटेल के गांव पे हीड़ चल रही थी, दीपावली पे हीड़ चलती है, तो वहाँ पे माता रानी आई थी। तो वहाँ पे माता रानी आई तो उसने किया कि मेरे को खान पान दो। तो खान पान में किया चाहिए उनको, घी लाया वहाँ से, घी का डब्बा लाया और चटाई पे मतलब उन्हें हवन कराया। हवन कराने के बाद में उसने किया कि दरी भेली करो। तो पटेल लोग ने दरी भेली करवा लगा तो माता रानी ने टी बोला कि नहीं इस पर ही करूँगा। उस पर उसने उस पर दाग भी नहीं लगा सर। उस पर कम से कम एक डब्बा घी का हवती किया, हवन किया, कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत चमत्कार है सर, अभी भी बहुत चल रही है उसका। तो जैसे कि जिसके पास जैसे कि कई सारे लोगों की मान रहती है, जैसे कि वो रहती है इच्छा के, माता रानी से ये इच्छा है, वो इच्छा तो जैसे वो इच्छा कैसे पूरी होती है। यहाँ पे सर नारियल के चट्टक रहते हैं तो उसको बोलते हैं पट्टा। तो वहाँ माता रानी को यहाँ चिपकाते हैं, अगर अपना काम होने का रहेगा तो वहाँ से गिर जाती है, अगर ना होने का रहे तो वहाँ वहीं पर चिपकती रही। और अगर जो चक्कर वाली बात रहती है तो वो ऐसे घूम के आते हैं, चक्कर पे आते हैं।
ये चमत्कार रहता है। और जैसे कि मान है वो दूसरी तरीके से और कई सारी तरह की मान रखी जाती है, पट्टे के अलावा जैसे कि वो मान जैसी बकरे वाली शादी वाली जैसी उन तरह की, हाँ उनकी जातर की इच्छा के हिसाब से। अच्छा मतलब वो सामने वाले की इच्छा के ऊपर है कि वो कैसी मान उतर। हाँ अगर पट्टा भी नहीं ले ऐसा विश्वास अगर करके तो मान लो कि मानता खड़ी के चली गया तो उसका काम भी पूर्ण होता है।